प्रथम लागू दो चरण को धनिये न छोड़ायो खिन लाख तली लालड़िया मेरे जीव के जीवन इन पाव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोले बातूं पल ना वालू निर्खुनेत्रे मेरे जीव के जीवन मेरे जीव के जीवन। प्राणों के प्रीतम अक्षरातीत इस काल माया के ब्रह्मांड में अपनी ब्रह्म सृष्टियों को श्यामा जी के साथ आज से 439 वर्ष पहले भेजा, उसका मूल कारण जिसे हम महाकारण भी कह सकते हैं, श्री राज जी अपनी रूहों को अपने दिल के राज, दिल के सौंदर्य को, दिल के अंदर विराजमान अनंत गुण को और सागरों को दिखाना चाहते थे, जो परम धाम में सब कुछ होते हुए भी परम धाम में कोई कमी नहीं होती, ये सभी जानते हैं सुंदर साथ। लेकिन उसके बावजूद कुछ ऐसे रहस्य थे धनी के दिल के जो रूहों को पता नहीं था। हम लीला में मग्न रहते थे, लीला का हर रस पान करते थे, लेकिन लीला का वो स्वरूप क्या था और उसका मूल क्या था हमें नहीं पता। जैसे हमने इश्क रब्द लीला में किया, आप सभी सुंदर साथ के चरणों में प्रणाम करते हुए मेरी आत्मा ये पहचान रही है कि आप सभी ने अपने अंदर जागृत बुद्धि का प्रकाश देखा है और धामधनी के निज बुद्धि की वाणी को सबने समझा है। लेकिन याद कीजिए, जब यहां पे महामती जी फरमाती हैं धामधनी के हुक्म से कि मैं हक अर्स में जुदे जानती लावती शब्द में वर्णन जड़ में सिरले ढूंढती हक दिल बीच आए चेतन, चेतन माने जागृत करना, यानी हम बेसुधि से हटकर अब जागृत अवस्था में आते हैं। कैसे? तो इसमें कहते हैं कि मैं हक अर्श में जुदे जानती, तो मैं तो अर्श में थी, मेरा मूल तन धामधनी का अंग है, ये अब पता चला। परम धाम में तो हमें नहीं पता कि धामधनी का मैं अंग हूं, नूर क्या है हमने नहीं जाना। हम सबके तन नूरी हैं, हमारे सबके तन इश्क के हैं और हम सबका स्वरूप एक जैसा है और धामधनी का जो नूरी तन है उनके नूरी तन ही मेरा भी, लेकिन हमें नहीं पता। तो ये कुछ बातें हैं कि एकत्व का ज्ञान नहीं था। एकत्व माने एक दिली, जो राज्य का दिल है वही दिल मेरे अंदर है, यह हमें नहीं पता था। तभी इश्क कहां बसता है? राज्य के दिल में। वो दिल पुकार रहा है कि मैं बड़ा हूं,
क्या इश्क मेरा बड़ा है। तो सभी आत्माओं के मुख से वही शब्द निकलते हैं, मेरा इश्क बड़ा है। इसका उदाहरण मैं आपको पहले दे चुका हूं कि जैसे माइक पे मैं बोलूं मेरा इश्क बड़ा है और आप इस माइक को एम्पलीफायर के थ्रू कनेक्ट कर दीजिए बहुत सारे स्पीकर्स के साथ, तो जैसे ही मैं बोलूंगा मेरा इश्क बड़ा है तो सारे ही स्पीकर्स यही शब्दों का उच्चारण करेंगे, मेरा इश्क बड़ा है। अब मान लीजिए एक हॉल है और मैं वहां बैठ के ये बोल रहा हूं, चारों तरफ स्पीकर्स लगे हैं, तो उस हॉल में गूंज होगी कि मेरा इश्क बड़ा है, तो समझ ही नहीं आएगा कि कौन कह रहा है कि मेरा इश्क बड़ा है। तो वस्तुतः राजी ही कह रहे हैं मेरा इश्क बड़ा है, और ये बात इतने सारे स्पीकर्स यानी इतने सारे 12,000 मुखों से वही बात निकल रही है, मेरा इश्क बड़ा है। और श्यामा जी भी का दिल भी राज्य का ही दिल है तो वो भी यही कह रहा है। तो तन तो 12,001 हो गए कहने वाले, या 12,002 कह सकते हैं, एक राज्य का तन, एक श्यामा जी का तन और 12,000 ब्रह्म सृष्टियों का तन, वो यही कह रहे हैं मेरा इश्क बड़ा है। तो मैं हक अर्श में जुदे जानती, तो फिर मैं ये समझ बैठी कि मैं जो कह रही हूं मैं इस बात को अच्छी तरह जानती हूं कि मेरा इश्क बड़ा है। राज जी इस बात को कैसे कह सकते हैं कि मेरा इश्क बड़ा है, और श्यामा जी के दिल में ये बात आती है कि इश्क तो मेरा बड़ा है, ये सखियां कैसे कह रही हैं कि मेरा इश्क बड़ा है, जबकि इसके पीछे यहां पे आने के बाद राजी ने बता दिया कि हम सबका दिल एक है, हम सबका नूर तन एक है, ये तो राजी ने बताया, हमें परमधाम में नहीं पता था। तो हम सबका दिल परमधाम में एक है, सबका नूर तन एक है, और ये बात हमें नहीं पता। परमधाम के अंदर 25 पक्ष हैं, आप सब सुंदर सात चितवन के माध्यम से हमेशा वाणी के प्रकाश में वो सब आप देखते रहते हैं 25 पक्ष। मैं अक्सर कहता हूं कि जब हम पुखराज पहाड़ धामधनी के साथ, वहां समय नहीं, वहां दिन नहीं, वहां रात नहीं, लेकिन यहां के भावों से बताने के लिए पुखराज पहाड़ पे हम लोग 6 दिन की लीला करते, 6 दिन, कभी पुखराज पहाड़ पे, कभी बंगला में, कभी अदबीज के कुंड में, इत्यादि इत्यादि। तो 6 दिन हम वहां लीला करते हैं, हम लोग आपस में लाड लड़ाते हैं, वहां से 4 धार 16 धार से जल गिरते हुए हमने कभी ये नहीं देखा कि इस जल के अंदर धामधनी का दिल बह रहा है, हमें नहीं पता, हमने मात्र उसको एक जल का स्वरूप माना और उसकी जो वहां फूरी उड़ती है उसके आनंद में हम गर्क रहे, लेकिन हमें उसका स्वरूप नहीं पता। ये तो बात सत्य है। अब धामधनी को ये बताना है कि ये सारा स्वरूप मेरा ही स्वरूप है, तुम भी कोई हमसे जुदा नहीं, मैं ही तुम हूं और तुम ही मैं हूं। ये मात्र लीला में मैंने ही अनेकों रूप धारण किए। जब धामधनी पशु स्नेह से उस स्नेह के वास्ते स्वरूप धरे
कई करोड़। तो जब वो पशुओं के साथ जो धनी का स्नेह है लीला में, वो पशु भी राज्य के ही रूप हैं और उनके अंदर भी राज्य का ही दिल है और वो पूर्ण चेतन हैं, शाश्वत हैं। उनके में और ब्रह्म सृष्टियों में कोई अंतर नहीं, लेकिन सबका तन नूरी है, सबका दिल राज्य का दिल है, लेकिन ये बात हमें परम धाम में नहीं पता। तो यही तो अर्श की पातशाही है। अब यहां हम बहुत शान से यहां सुंदर साथ बैठते हैं, वाणी पढ़ते हैं और हम सारी बातें करते हैं कि परम धाम में सिर्फ एक है, अद्वैत है, मूल अद्वैत है और वो हमारे प्रीतम राज्य हैं और मेरा तन और मेरा दिल कोई और नहीं राज्य का ही है। लेकिन ये बात तो इल्म से यहां पता चली, वहां नहीं पता चली, क्योंकि अगर पता चल जाती तो इश्क रब्द होने का कोई गुंजाइश ही नहीं थी। और अगर इश्क रब्द नहीं होता तो ये बातें परमधाम में पता भी नहीं चलती। तो राज्य ने अपने हुक्म से ये रब्द की लीला कराई, हमारे दिलों के अंदर ये बात डाली कि हम उनसे एक ऐसा अद्भुत खेल मांगे जो परम धाम की लीलाओं से बिल्कुल अलग है। स्वरूप एक, लीला दो। एक लीला जमाली की परम धाम की और दूसरी लीला जलाली की योग माया और काल। तो उसमें हमारे दिल को, दिल के नैन की नजर को पहुंचाया। तो अब इस ब्रह्मांड में आत्मा की जागृति होनी है। आत्मा जैसे परम धाम में पर आत्म के ऊपर फरामोशी है। फरामोशी किसको कहते हैं? बेसुधी को। परम धाम में नींद नहीं है, रात्रि या दिन नहीं है, समय नहीं है, वहां सब कुछ एक रूप है, एक रस है, नूरी है। लेकिन यहां रूहों को सुख देने के वास्ते यहां के मसाला को लेकर परम धाम का वर्णन करके रूहों के दिल में पहुंचाना है। ज्यों ज्यों होए अर्श नजीक, खेल त्यों त्यों होवे दूर, यो करते छूटिया खेल नजरों तो रूहे कदमों तले हजूर। हजूर माने पास, राज्य के चरणों। तो अब परम धाम में परातम बेसुध है। बेसुध मतलब विस्मृति की स्थिति में है। जितनी लीला में मग्न हम रहते हैं वहां, अब वो एक ठहर सक रहा है। अब हम सब धाम धनी की कृपा से, धाम धनी अपने संग हम सभी ब्रह्म सृष्टियों को तीजी भूम से लाकर दूजी भूम, दूजी भूम से प्रथम भूम, पांचवी गोल मूल मिलावे की हवेली के चबूतरे पर अत्यंत सुंदर स्वरूप है मूल मिलावे का, हम सब जानते हैं। और इस संसार में चितवन का वाणी मंथन और चितवन का दूजा कोई विकल्प नहीं है। वाणी निज बुद्धि का, राज्य के दिल का ज्ञान है, जिसको राज्य ही प्रदत्त, जो हो उनके हुक्म के तले उनका मलायक है, असराफील फरिश्ता, जागृत बुद्धि का फरिश्ता, वो हमारे दाएं बाएं जबराइल और असराफील खड़े होते, हम उनके उपस्थिति का
जब एहसास कर लेते हैं अपने दाएं बाएं। असराफील जबराइल भेज दिए आमर, निगहबानी कीजियो मेरे खासे बंदों पर। मैं जानती हूं कि मैं परम धाम की आत्मा हूं, धाम धनी का नूर अंग हूं, धाम धनी का नूर तन हूं, और धाम धनी के इश्क में सराबोर हूं। और ये आत्म जागृति की शुरुआत होती है जब धाम धनी ने अपने दोनों बड़े मलायकों को हर ब्रह्म सृष्टि के साथ लगा दिया। परम धाम की बड़ी वृत्त में आप सब देखेंगे कि जबराइल को जो काम दिया है कि जहां मोमिन बसत है वहां प्रदक्षिणा देते रहे। मोमिन है तो जबराइल वहां से कहीं दूर नहीं जा सकता, यानी ब्रह्म सृष्टियों के परिक्रमा करता रहता है कि माया की कोई भी दुश्वारियां मेरी ब्रह्म सृष्टि को नुकसान न पहुंचाने पाए, उनके दिल को पाक साफ रखती हैं, रोशन रखती, उनकी वकीली करती हैं और रूहें देख पाती हैं कि उनका हाथ धनी के हाथ में। ये जबराइल का काम। और दिल पाक साफ रोशन होता है तो असराफील उसमें प्रवेश करता है, राजी के हुक्म से उतरी हुई आवेशित वाणी का मधुर संगीत हमारी आत्मा के दिल में गुंजन होने लगता है। और इस जागृत बुद्धि के प्रकाश में तारतम वाणी को देखकर अब मैं हक के दिल को देख रही हूं। जागृत बुद्धि दे इनो को जिनसे देखी लहरें बका हक। सपने की बुद्धि से राजी का दिल और दिल से बहने वाले अनंत रस के सुख हम नहीं ले सकते थे, इसके लिए जागृत बुद्धि का होना आवश्यक। तो हमारी जागनी का पहला कदम वो ये है कि धाम धनी द्वारा दिए हुए ये दोनों मलायक 24 घंटे हर घड़ी हर पल उनकी उपस्थिति हमारे को महसूस होती रहे। मानो बाएं हाथ पे जबराइल खड़ा है, सीटी बजा रहा है, ऐसा शंखनाद कर रहा है कि दुनिया में उठने वाले कोई भी गलत बात हमारे दिल में प्रवेश न करने पाए। ऐसा शंखनाद। और असराफील फिर धाम धनी के दिल से अवतरित वाणी का सूर फूंकता है। अब ये सारा उस स्थिति में हमारे दिल के अंदर चलने लगता है और मैं अब वाणी के द्वारा परम धाम को देख पाती हूं, अपने मूल तन को देख पाती हूं, अपने प्रतिबिंबित स्वरूप को देख पाती हूं और जुगल स्वरूप को देख पाती हूं, परम धाम को देख पाती हूं। ये आत्म जागृति का पहला चरण है कि जबराइल और असराफील को हम हर घड़ी हर पल अपने साथ देखें जो धनी ने दिया। और फिर ऐसा आवत दिल हुकमे यूं इसके आत्म खड़ी होए
जब हक सूरत दिल में चुभे तब रूह जागी देखो सोए। अब राज जी जो कुछ लीला होती है वो राज्य के हुक्म से होती है। हमें कभी कभी ऐसा लगता है कि हुक्म की लीला मात्र इसी ब्रह्मांड में है, लेकिन परम धाम में भी राज्जी के दिल की इच्छा के बगैर कुछ नहीं होता। हके किया हुक्म वतन में सो उपजत अंग असर, जैसा देखत सुपन में तैसा बरतत इत न कर। तो राज्जी ने जो बात दिल में ली वही लीला रूप में प्रकट होता है हमारे परम धाम में भी और ब्रज में भी, रास में भी और जागनी में भी। तो उसी हुक्म का वास्ता है, जिस हुक्म के कारण परातम के दिल में पहले आता है, पहले राज्य के दिल में आता है, फिर परातम के दिल में आता है, फिर आतम के दिल में। परातम के अंतस्करण जेती बीतत बात तेती इन आतम के करत अंग साख्यात। पहले जो बात करनी है हके, पहले लेवे माहे दिल, पीछे सब में पसरे जो वाहे दत्त में असर। सुंदर सा जरा ध्यान दीजिएगा कि राज्य के दिल में जो बात आती है पहले उनके दिल में आती है, फिर पर आत्म के दिल में आती है। जब पर आत्म के दिल में आती है तो उनके प्रतिबिंबित स्वरूप आत्मा के दिल में आती है, और ये आत्मा का दिल पर आत्म के दिल में ही स्थित है। उन दिल में ए दिल अंतरपट कछुना है, सुख लज्जत अरस्तन खैचे ही तब क्यों रहे अंतर माए। आत्मा का दिल और परात्म का दिल अरस परस, और तन भी अरस परस है, क्योंकि बिंब और प्रतिबिंब भी एक ही है। ये राज्य की हिकमत है कि जैसे नॉर्मल कोर्स में मैं अपना प्रतिबिंब दर्पण में देखता हूं तो मैं तो देख रहा हूं कि ये मेरा स्वरूप है, यानी मैं अपने स्वरूप को पहचान पाता हूं दर्पण में देखने के बाद। आप सोचिए कि जब से मेरा जन्म हुआ या आप में से सबका जन्म हुआ, अगर कभी भी दर्पण ना देखा होता और आपके सामने एक तस्वीर मेरी रख दी जाती या सबकी अपनी अपनी तस्वीर रख दी जाती, तो क्या हम पहचान पाते कि ये मैं हूं? क्योंकि हमें पता ही नहीं कि मेरा रूप कैसा है। तो पर आत्म का जो कि पहचान हो रही है आत्मा के स्वरूप से, पर आत्म आत्म को देख रही है जो उसका प्रतिबिंबित स्वरूप है, और उसके द्वारा आत्मा भी दृष्टि जैसे अपने दिल के दृष्टि से दृष्टा भाव से इस खेल से में रहकर भी इससे न्यारी रहती है। जीव के द्वारा इस तन से होने वाली इस ब्रह्मांड में अनंत लीलाएं हैं उसको वो देखती है, लेकिन जब तारतम ज्ञान की लीला इस जीव के द्वारा होने लगती है, यानी जैसे मान लो अभी मैं कुछ सुंदर साथ के साथ बैठकर वाणी सहूर राज्य की कृपा से कर रहा हूं, तो मेरे ऊपर जो आत्मा विराजमान है वो देख रही है। जो ये वाणी मंथन हो रहा है, जो वाणी की गूंज चल रही है,
वो आत्मा का दिल ग्रहण कर रहा है, और आत्मा के दिल ग्रहण करने से परात्म का दिल ग्रहण कर रहा है। तो प्यारे सुंदर साथ जी, ये ब्रह्मांड जागनी का है। ब्रज में जागनी नहीं, पूर्ण निद्रा की स्थिति थी। हम बिल्कुल भूल चुके थे कि हमारा मूल क्या है। धामनी का आवेश अपने हुक्म के साथ अक्षर की आत्मा पे विराजमान होकर सुंदर बाल मुकुंद का रूप धारण किए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। वो स्वरूप हमारे धाम के धनी ने धारण किया, लेकिन हमें नहीं पता ब्रज में कि ये मेरे परम धाम के प्रीतम है और मेरा स्वरूप परम धाम। रास में जब हम गए, अभी चर्चा का विषय ब्रज और रास नहीं है, इसलिए उस बात को संक्षेप में बस कह भर दे रहा हूं। आप सभी सुंदर साथ ज्ञाता हैं, आपके चरणों में हमेशा मैं अपने अस्तित्व को रखता हूं, नमन करता हूं। रास में आधी नींद उड़ाती, यानी कि अब मेरे प्रीतम को का स्वरूप जो बांके बिहारी का है, नित नौतन वृंदावन में, उस स्वरूप को हमने ये जाना, ये हमारे प्रीतम है, लेकिन मैं कौन हूं मैं नहीं जान पाई, और किस वास्ते ये सारी लीला हो रही है नहीं जान पाई। अब जाग देखो सुख जागनी, ए सुख सुहागिन योग। और ये जागनी के ब्रह्मांड में हमारा आना ही इस बात की साक्षी है कि धामधनी के दिल में हमें लाड़ पिलाने के अलावे कोई और काम नहीं, और काम हक को कोई नहीं देवे रुओं लाड़ लज्जत। इसलिए धामधनी अपने दिल के दरवाजे खोल देना चाहते हैं, वो इस जागनी के ब्रह्मांड में। तो अब इस जागनी के ब्रह्मांड में पहला कदम आपको मैंने बताया कि धामधनी ने अपनी मेहर से, अपने हुक्म से जबराइल और असराफील को हमारे साथ रखा है, हमारी निगहबानी कीजिए के वास्ते, और जागृत बुद्धि के द्वारा हम राजी के दिल का दर्शन कर सकें, देखें लहरें बकाह, जो सुराही हक की पीवना, सो इश्क हक दिल मिने। ये इश्क कहां, हक के दिल, जो सुराही हक की पीवना, सो इश्क हक दिल मिने, सो मोमिन पीवे कोई बैठ के और पिया न जाए किने। अब परम धाम में हम रहते तो राज्य के दिल में हैं, लेकिन हमें पता नहीं कि हम राज्य के दिल में रहते। और अब हमें अपना इस जागनी के ब्रह्मांड में अगर इश्क का रस पीना है तो मोमिन पीवे कोई बैठ के और पिया न जाए के, राज्य के दिल में ही बैठना होगा। तो ये कैसे होगा, अब उस बात की खुलासा इस प्रकरण में होती है, आत्म परामोसी से जागे का प्रकरण। तो अब राज्य के हुक्म से मेरे दिल के अंदर ये बात घर कर गई है कि इश्क के बिना
मेरी आत्मा पूर्ण पहचान ना निस्बत की, ना नूर की, ना वहदत की, ना खिलवत की कर पाएगी, ना परमधाम से अपना नाता जान पाएगी। तो ये जानने के लिए आत्म को खड़ा होना है तो इश्क का दीदार चाहिए, इश्क की पहले इश्क की पहचान, फिर इश्क का दीदार, पर इश्क का ग्रहण करना और फिर अपने इश्क के स्वरूप मूल तन को देखना। वाणी आप जब वाणी की गहराइयों में हम उतरते हैं तो जैसे 20वें प्रकरण सिंगार में वर्णन आता है कि राज्य का हर अंग इश्क का सागर, अंग देखे जेते सूरत के सोतो सारे इश्क सागर। हक गुण अपने दिल का गुण, जमाली के गुण, हक गुण बाहर देखावत लीला में, हक गुण बाहर देखावत इन बातों मोमिन कादर। सिर्फ मोमिनों मोमिन ही इस बात को समझ सकते हैं और यहाँ पे आत्मा ही जागृत बुद्धि के सानिध्य में निज बुद्धि के इस ज्ञान को राज्य के दिल से बहने वाले इश्क के रस का दीदार कर सकती है, उस रस का पान कर सकती है। तो उसी प्रकरण में लिखा है कि परम धाम के अंदर जो पिंड है, प्रकृति है, गुण है, अंग है, इंद्रिय है, वो सारे इश्क के हैं, बाण वचन सारे इश्क के हैं। सागर ग्रंथ में पहले प्रकरण में धनी फरमाते हैं कि ये गुण अंग इंद्रिय बाण वचन पिंड प्रकृति सब नूर के। सिंगार के 20वें प्रकरण में कहते हैं ये सारे इश्क के, यानी नूर और इश्क में कोई अंतर नहीं। नूर राज्य का दिल है और उस दिल के ही अंदर इश्क है, तो इसलिए राज्य का दिल नूरमयी इश्क से परिपूर्ण है और वो राज्य के हर अंग में दिखता है। तो जैसे नॉर्मली इस संसार में होता तो ऐसे ही है कि जैसे मैं किसी से बहुत प्रेम करता हूं, मैं कितना भी शब्दों में कहूं लेकिन ये प्रेम महसूस करने की चीज है, प्रेम दिखाई नहीं पड़ता। बातों से, मेरी करनी से कुछ कुछ उसका आभास हो सकता है लेकिन प्रेम का वो स्वरूप दिखता नहीं। ब्रज में श्री कृष्ण जी का स्वरूप प्रेम का था लेकिन हम गोपिकाएं इस बात को ना जान पाए। हम तो मात्र उनकी लीला को देखते थे एक मित्र समझकर, खेले जान के जान। रास में हमारे ये प्राण प्रीतम हैं लेकिन मैं यही हूं नहीं पता। सो अब ऐसा आवत दिल हुक्मे यो इसके आत्म खड़ी हो, और जब तक इस इश्क का दीदार नहीं होगा तब तक हमारी आत्म खड़ी नहीं होगी। जब हक सूरत दिल में चुभे तब रूह जागी देखो सोए। अब ये जागने का ब्रह्मांड है तो यहां मात्र एक ही कार्य है, आत्मा जागृति, आत्मा जागृति। ये माया की लीलाएं हमारा तन करता रहता है, वो उसका स्वाभाविक गुण है लेकिन आत्मा उससे परे होकर इल्म से धनी को देखकर चितवन के गहराइयों में उतरकर धनी के सुंदर
स्वरूप को, सुंदर जुगल स्वरूप को अपने दिल में बसा लेती है, तो स्वतः ही इश्क के दीदार उसको हो जाते हैं। तो ये तन खाना खाते समय, अपना प्रोफेशनल काम करते समय उस स्वरूप को भूला रहता है, लेकिन जो आत्मा जागृत हो चुकी है उसके दिल से वो स्वरूप एक क्षण के लिए भी मिटता नहीं, तन अपना कार्य करता रहता है जीव के माध्यम से, लेकिन आत्मा एक बार उस स्वरूप को अपने दिल में बसा लेती है तो वो उससे न्यारी नहीं होती, उससे अलग कभी नहीं होती। तो जब हक सूरत दिल में चुभे तब रूह जागी देखो सो। तो जब राज्य का मुखारविंद, मुखारविंद कितना बड़ा महत्व है सुंदर साथ, हम यहां किसी को भी देखते हैं चाहे उससे कितनी भी घनिष्ठता क्यों ना हो, जब वो मेरे समक्ष आता है तो क्या मैं उसके हाथ देखती हूं, उसके पैर पीठ पसली देखती हूं कि सबसे पहले क्या देखती, अगर वो मेरा मित्र है तो मुखारविंद देखती, और मेरा कोई बुजुर्ग है, मेरा श्रद्धेय है, तो सबसे पहले मैं उसकी चरणों को प्रणाम करता, चरण स्पर्श करता। तो मुख से ही प्रथम पहचान किसी की होती है, हाथ पैर से नहीं, पेट पसली से नहीं, मुख से पहचान होती, प्रथम पहचान। तो अब मेरे दिल में ये बात आती है कि मेरी आत्मा के दिल में राज्य का मुख अंकित हो जाए, और ये इस मुख के स्वरूप से मैं एक क्षण के लिए भी जुदा ना। जब हक सूरत दिल में चुभे तब रूह जागी देखो सो। अब जैसे राज्य का मुखारविंद मेरे दिल में आ गया, तो मुझे मेरे मूल तन का मुखारविंद भी मेरे दिल में आ जाएगा, मुझे दिखने लगेगा। और जो जो अंग धाम धनी के नख से लेके शिख तक, जो जो अंग मेरे दिल में आता जाएगा, वो अंग मेरे मूल तन का मेरे दिल में खड़ा होता जाएगा। तो आगे की चौपाइयां ये बात दृढ़ कर देती है, रूह तेती जागी जानियो, जेता दिल में चुभे हक अंग, जो अंग हृदय ना आईया, रूह के तेती फरामोसी संग। सुंदर साहब इसमें क्या चर्चा करें, आप सभी धाम धनी की लाडली हो, वो कह रहे हैं कि रूह उतनी ही जागी है जितना उसके दिल में उसका मूल तन आता है, और मूल तन उतना ही आएगा जितना धनी का अंग आएगा। रूह तेती जागी जानियो, जेता दिल में चुभे हक अंग, हक के अंग जितना आएगा उतना ही मेरी जागनी, आत्मा की जागनी यानी उसका मूल तन का वो अंग उसके दिल में खड़ा होता जाएगा। जो अंग हृदय ना आईया, रूह के तेती फरामोसी संग, उन आत्मा अपने मूल तन को उस हद तक नहीं देख पाएगी। इश्क बिना रूह के दिल चुभे न सूरत था, जब तक वो इश्क का स्वरूप, इश्क नहीं है हमारे दिल में तब तक राज्य का वो अंग हमारे दिल में नहीं आएगा। सुंदर साथ इश्क कहां बसता है, अभी हम लोगों ने देखा कि राज्य के हर अंग में बसता है, और हमारी निस्बत राज्य से, परम धाम से,
राजजी सागर ग्रंथ के निष्पत के प्रकरण में आखिरी चौपाई में कहते हैं, श्री महामत कहे ए मोमिनो ए निष्पत इश्क सागर, ये निष्पत ही इश्क का सागर है। यानी इश्क और निष्पत में कोई फर्क नहीं है। तो क्या कहते हैं, इश्क बिना रूह के दिल, यानी अगर निस्बत नहीं है तो शुभे न सूरत हक, तब राज्जी का स्वरूप मेरे दिल के अंदर नहीं आएगा। सुंदर साथ, हमारी जमात है यहां पे इस संसार में, आप भी जानते हो यहां की जनसंख्या 750 करोड़ है, ज्यादा एक्यूरेटली बोलूं तो 754 करोड़। अब देखो कितने होंगे जिनकी निस्बत धाम धनी के साथ है, परब्रह्म के साथ है। ये बहस करने का मुद्दा नहीं, मात्र एक समझाने के लिए कि आप ये बातें सुन रहे हो तो आपकी महिमा क्या है, आपका गौरव क्या है, आपका वैभव क्या है, कि धाम धनी के दिल से आपकी निस्बत है। और ये निस्बत का बल ही है जो इश्क का दीदार कराती है। नो निस्बत नो इश्क, नो इश्क राज्य का कोई भी अंग आपके दिल में नहीं आएगा। तो इश्क बिना रूह के दिल, रूह का जो दिल है निस्बति है, वो उसके अंदर इश्क होता है, निस्बत है। तो चुभे न सूरत हक, अगर इसके ये नहीं है, निस्बत नहीं है, तो राज्य का सूरत आपके दिल में नहीं आएगा। मेहर जोश निस्बतें हक हुक्मे चुभे मुतलक, राज्य की कृपा प्रेम का जोश और निस्बत जब ये हमारे संग होते हैं, हक हुक्मे चुभे मुतलक, और राज्य का हुक्म अब उस हर अंग का स्वरूप मेरे दिल में धारण कर लेता है। सुंदर साथ, वो चौपाई याद कीजिए, खाते पीते उठते बैठते सोवत सुपन जागृत, दमना छोड़े मासूक को जाको होए हक निस्बत। अब ये चर्चा नहीं करेंगे, अब ये बात हम सब अपने दिल में विचारेंगे कि 24 घंटा में कितना क्षण राज्य का स्वरूप हमारे दिल में रहता है और कितने क्षण माया के कार्यों में लगे रहते हैं। और जब माया के कार्यों में लगे रहते हैं तो हम धनी को भूले रहते हैं कि धनी फिर भी हमें याद रहते हैं, ये हमें खुद पहचानना है। आत्मनिरीक्षण स्वयं किया जाता है, कोई हमें नहीं बताएगा कि तुम 24 घंटा में कितने देर धाम धनी के चरणों में रहते हो और कितने देर माया के कार्य में जुटे रहते हो। वो हालत हमारी कब होगी, रोम रोम बीच रमी रहिया पीउ आशक के अंग, हम आशक होने का दावा करते हैं ना, और दावा करने के बाद क्या रोम रोम में पीउ बसते हैं, यानी हमारे दिल के अंदर बसते हैं। रोम रोम बीच रमी रहिया पीउ आशक के अंग, इसके ले ऐसा किया, अंग आए तो इश्क आया, इसके ले ऐसा किया जो हो गए एक रंग। धाम धनी के दिल से निकलने वाली अनंत लहरों के अंदर समाकर उनके दिल में प्रवेश कर जाते हैं। जैसे सागर की लहरें बहते बहते किनारे पे आती हैं, मैं उस लहरों के साथ चली जाती तो सागर के अंतस में चली जाती, मेरा स्वरूप
अब नहीं रहता, अब सब कुछ सागर का स्वरूप हो जाता है। मोहे दिल में हुक्मे यो कहया, जो दिल में आवे हक मुख, तो खड़ा होए मुख रूह का, हक सो होए सन मुख। यानी परात्म का मुख आत्मा के दिल में आ जाता है, और परात्म का मुख आने से राजी का मुख, परात्म का मुख और आत्मा का मुख तीनों आत्मा के दिल के समक्ष खड़े हो जाते हैं। मोहे दिल में हुक्मे यो कहया, जो दिल में आवे हक मुख। अब हक का मुख आएगा कैसे दिल में? पहला स्टेप तो वाणी है। राज्य के हुक्म ने हम रूहों को सुख पहुंचाने के वास्ते, राज्य ने अपने हुक्म से अपने हर अंग का वर्णन करा दिया। अब वो वर्णन दिल में लेके मेरी आत्मा चितवन की गहराइयों में डूबती चली जाती है, और धाम धनी के मुखारविंद की शोभा गौर उज्जवल गहरी लालक लिए, सुंदर हरवटी ठोड़ी लांग, लाल अति पतले अधर, श्वेत दंत, सुंदर नासिका, नासिका में बेसर, बेसर में लाल मोती लटकती हुई, दंत को लालिमा प्रदान करती हुई उज्जवल लालिमा, सुंदर मुखचौक, सुंदर कान, इतने गोरे कि उसके अंदर से जो दिल के अंदर का प्रेम की इश्क की लाली है वो उनके गालों पर प्रकट होती है। हर रूह का रंग मुखारविंद का लाल है, नीर सागर रूहों के मुखारविंद की शोभा है जिसका रंग लाल है, और सभी रूहें राजी के गालों में बसती हैं तो गहरी लाल हो जाती है। तो गोरा उज्जवल गहरी लालक लिए हुए ऐसा सुंदर गालों की आभा है। सुंदर श्रवण अंग, उसमें सुंदर चार चार ऐंठन वाली कंचन की बाली जिसमें माणिक और मोती लटक रही हैं, और धाम धनी के हिलने डुलने से उसकी झाई इतनी सुंदर प्रकट होती है गालों पर कि दिल कुर्बान हो जाता है। सुंदर नयन कमल, अति गहरे, अति गुज, अति गंभीर, चंचल चपल, तेजवंत तारे पुतली, अनियारे बके, उस नैनों से जब आत्मा के नैन जुड़ते हैं तो फिर कुछ और नहीं दिखता, और मैं उस नैनों के आकर्षण शक्ति से उनके नैनों में प्रवेश कर जाती हूं। मेरी परात्म का प्रतिबिंब उन नैनों की पुतलियों में पड़ने लगता है, और पुतली का सीधा संबंध राज्य के दिल से होता है, तो मेरी आत्मा नैनों के माध्यम से राज्य के दिल में पहुंच जाती है। सुंदर पलकें, बरौनियां, भौहें, भ्रिकुटी, नीलवट, शीश कमल, ऐसा सुंदर मुखारविंद जब आत्मा के दिल में आता है तो आत्मा अपने मूल तन का भी मुखारविंद, क्योंकि राज्य का तन और आत्मा परात्म का तन, रूहों तुम मेरे तन हो, तो वो मेरी परात्म का तन
भी मेरे समक्ष खड़ा हो जाता है और उसका प्रतिबिंबित स्वरूप ही मेरी आत्मा का स्वरूप है, तो अब मेरा मेरी आत्मा का मुखारविंद भी मुझे दिखने लगता है। आत्मा अपने मुखारविंद को देख रही है, परातम के यानी अपने मूल तन के मुखारविंद को देख रही है, और ये कृपा होती है जब धाम धनी की वाणी से, चितवन के बल से, राज्य की कृपा से, मेहर से, प्रेम के जोश से मैं धाम धनी के मुखारविंद की शोभा को अपने दिल में बसाती हूं। अधुर हरवटी नासिका दंत जुबां और गाल जो अंग आया हक का दिल में उठे रूह अंग उसी मिसाल। अभी यही वर्णन हो रहा था, अधुर हरवटी नासिका दंत जुबां और गाल जो ये सारे मुख चौक के अंग जो हैं, मुखारविंद के अंग हैं, जब राज्य का दिल में रूह के आता है उठे रूह अंग उसी मिसाल, उसी तरीके से रूह के अंग उठ जाते हैं। जो तू ग्रहे हक नैन को तो नजर खुले रूह नैन, तब आसिक और मासूक के होए नैन नैन से सैन। अब जब अभी नैनों का वर्णन से मैं आपको राज्य की कृपा से बता रहा था, जो तू ग्रहे हक नैन को तो नजर खुले रूह नैन, तो हमारी आत्मदृष्टि खुल जाती है अगर मैं राज्य के नैनों को ग्रहण करती हूं, तब आसिक और मासूक के वो नैन नैन से सैन, तब राज्य के नैनों से मेरे नैन मिल जाते हैं और इशारों ही इशारों में राज्य के दिल का सब रस हमारे दिल में आने लगे। राज्य की कृपा रही तो इसी के आगे यही प्रकरण जो आत्म जागनी का है, आत्म का फरामोशी से जागे का प्रकरण, इसको आगे बात करेंगे। तो इस चौपाई को एक बार मैं दोहराता हूं, आप सब उसको ध्यान से सुनिएगा और चितवन की गहराइयों में डूब कर, चितवन का कोई विकल्प नहीं है, हमें हर घड़ी हर पल अपनी सुरता मूल मिलावे में ही रखनी, जैसा धनी का आदेश है। जो तू ग्रहे हक नैन को तो नजर खुले रूह नैन, तब आसिक और मासूक के होए नैन नैन से सैन। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोले श्री सदगुरु महाराज की जय, बोलिए श्री